पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर गरमाई राजनीति के बीच आज कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया मार्च। महिलाओं के साथ ममता का ये रंग अलग ही था, महिलाओं का हुजूम चला। संदेश खाली जा रही बीजेपी की महिला टीम को 24 परगना में रोका गया, जमकर हंगामा बरपा। संदेश खाली जाने से रोके जाने पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी की पुलिस से देर तक बहस हुई, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। आज राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा, राहुल ने राजस्थान में उठाया पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे। मिशन कश्मीर पर मोदी अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे, बख्शी स्टेडियम में रैली, जम्मू कश्मीर को दी 6,400 करोड़ की सौगात। मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दिया, इससे जुड़ी 52 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने श्रीनगर में परिवारवाद पर करारा प्रहार किया, अनुच्छेद 370 हटाने का उल्लेख करते हुए बोले, कुछ परिवारवादी शक्तियों ने अपने हित के लिए जम्मू कश्मीर को जकड़ कर रखा। युवाओं के प्रतिभा का पूरा कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर को किया जा रहा था गुमराह, आज कश्मीर में सभी युवाओं को समान अवसर समान अधिकार। मोदी की रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर सिर्फ एक क्षेत्र नहीं भारत का मस्तक है, विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर में मोदी ने रमजान की अग्रिम लोगों को शुभकामनाएं दी, कमल से जुड़ा जम्मू कश्मीर का गहरा नाता। श्रीनगर में गूंजे हर हर मोदी घर घर मोदी और जय श्री राम के नारे। श्रीनगर में पीएम मोदी ने पूरी की युवा नाजिम की इच्छा, नाजिम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी की इच्छा व्यक्त की थी, मोदी ने इसे पूरा किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बिछा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पर्यटकों को दी खुशखबरी, अब 12 महीने खुला रहेगा सोनमर्ग। श्रीनगर दौरे पर शंकराचार्य हिल स्टेशन पहुंचे थे पीएम मोदी, ट्वीट की तस्वीर। पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच कांग्रेस ने किया प्रश्न, जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा। कांग्रेस ने केंद्र से किया एक और प्रश्न, जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव। टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का मोदी परिवार बोले, संदेश खाली को ममता से पूछा जा रहा है कि उन्हें शर्म नहीं आती, मैं आपसे पूछता हूं, आप मणिपुर हाथरस क्यों नहीं गए, क्या आपको शर्म नहीं आती। ममता की मां बहन से की अपनी तुलना। जो सही मायनों में अपने प्रदेश की अपने समाज की मां है बहन है उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, जवाब देगी बंगाल की जनता आसनसोल की जनता। यूपी में अवैध मदरसों पर शिकंजा, एसआईटी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट, 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश। एसआईटी रिपोर्ट में अवैध मदरसों को खाड़ी देशों से आर्थिक मदद मिलने का उल्लेख, कुल 23,000 मदरसों की हुई जांच। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार यूपी में नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में सबसे अधिक ऐसे मदरसे हैं, महाराजगंज श्रावस्ती बहराइच में 500 से भी अधिक मदरसे। यूपी के नेता मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते ही अपनी शक्ति दिखाने लगे, उत्तर प्रदेश में योगी के बाद खुद को बताया दूसरा सबसे बड़ा और शक्तिशाली नेता।
ललकार के कहा था कि मंत्री बनूंगा, मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन होगा उस दिन मंत्री बनूंगा, और बन के दिखा दिया। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे राजभर। राजभर ने कहा, थाने पर पीला गमछा लेकर जाओ, दारोगा से बोलो मंत्री जी ने भेजा है। वो क्या डीएम एसपी डीजी में भी शक्ति नहीं, पलटकर मुझसे पूछ लें, मुझे समझो शोले का गब्बर। दारोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेज ले जाती। बोली है पावर, एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है, तो गब्बर समझ लो। आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहाँ है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, दो लोगों के पास पावर है। और ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है, कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के शिक्षा मंत्री चौधरी ने मुसलमानों को बीजेपी से आगाह किया। बोले, बीजेपी मुसलमानों को रुपए पैसे देकर लालच दे रही है, लेकिन झांसे में आप मत आइए। मंत्री ने कहा, बीजेपी लालच देकर मुसलमानों के घरों पर लगाना चाहती है अपना झंडा। ममता की शिक्षा मंत्री ने दी धमकी, जो मुसलमान ऐसा करेगा सूचना मिलने पर मैं उसका इलाज कर दूंगा। এরকম টাকা খেয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে পতাকা কেউ ধরলে তার আমাকে নাম ধাম দেবেন, আমি তার বিচারটা ভালো করে তাবিজ কবজতি করব। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर किया जमकर पलटवार। अजमल बोले, मियां मियां चिल्लाते हो, मियां नहीं होगा तो साग सब्जी भी नहीं मिलेगी। अजमल ने मुख्यमंत्री हेमंता को दी चुनौती, कहा, कहते हैं 3 दिन में गुवाहाटी खाली करा देंगे, 3 दिन 3 साल या 300 साल में भी इसे मियां से आप खाली नहीं करा सकते। मैं 3 दिन भीतर गुवाहाटी खाली कर दी, मियां तीन बरस जमीयत उलेमा ने यूसीसी पर सरकार को नसीहत दी। बोले, गुलशन में होते हैं तरह तरह के फूल, सरकार सिर्फ एक फूल खिलाने का न करे प्रयास, मुसलमान कयामत तक मानेगा अपना धर्म। सरकार कोई बिल लाए न लाए उससे इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, मुसलमान ये हमेशा से इन्होंने अपने मजहब पर अमल किया है और कयामत तक करते रहेंगे। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर छापे, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा। ईडी ने समाजवादी विधायक इरफान सोलंकी के भाई के घर पर भी छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग में इरफान के घर और भाई के घर पर छापे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीती रात हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, नड्डा अमित शाह मीटिंग में शामिल। कर्नाटक हरियाणा हिमाचल महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर मंथन, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लगने के आसार, जल्द जारी होगी लिस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब राउस रेवेन्यू अदालत ने भेजा समन। अदालत ने ईडी की अर्जी पर केजरीवाल को 16 मार्च को बुलाया। केजरीवाल ने ट्वीट करके सरकार पर साधा निशाना, लिखा, बीजेपी में शामिल होते ही बंद हो जाएंगे सारे के सारे समन। संदेश खाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख को सीआईडी ने सीबीआई को सौंपा। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया शाहजहां। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का ममता पर बड़ा हमला, बोले, संदेश खाली के दरिंदों की मदद करती हैं ममता और राज्य सरकार। कोलकाता में टीएमसी का महिला मोर्चा, ममता और अभिषेक महिला मोर्चा को कर रहे हैं लीड।
8 मार्च यानी कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले कार्यक्रम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल, शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल। बिहार में एनडीए के बीच अब तक सीट बंटवारा नहीं, आज नीतीश कुमार यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं। झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना के तहत देवघर में लाभार्थियों को पहली किश्त जारी, रांची में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अध्यक्षता की। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार गिरीश तलरेजा, सूरज चोखानी 7 दिन की ईडी हिरासत में, एक और आरोपी रतनलाल जैन है फरार। झारखंड के शहरों में आवारा गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा, झारखंड में गौ सेवा आयोग ने शुरू की विशेष मुहिम। आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर अमित शाह नड्डा से फाइनल बात करेंगे नायडू, चंद्रबाबू नायडू। मुंबई के दौरे पर अमित शाह, इंडिया ग्लोबल फोरम निवेश समिट में संबोधन। लेह में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सीहोर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिखा अलग अंदाज, क्रिकेट खेली, लगाए चौके, खेल ग्राउंड का उद्घाटन किया। हमीरपुर के दौरे पर हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुख, कहा 55,000 करोड़ की लागत से 2 वर्ष में तैयार होगा नया बस अड्डा। बरेली में महिला ने पति की हत्या की, 18,000 रुपए के लिए महिला ने पति को मार डाला। सीतामढ़ी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में करोड़ों का फर्जीवाड़ा, बैंक खाता धारकों के खाते से करीब 5 करोड़ रुपए गायब। बिजनौर में भू माफियाओं का आतंक, किसान की जमीन हड़पने के लिए धर्म को बनाया, पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई। नोएडा में समाज विकास क्रांति पार्टी के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। उत्तराखंड में नव नियुक्त वीडियोस को बांटे गए नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का उत्साह वर्धन किया। देहरादून में सीएम धामी ने भव्य रोड शो किया, नारी शक्ति कार्यक्रम से जुड़े महिलाएं भारी संख्या में मौजूद। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके मामले से नया वीडियो सामने आया, बस में बैठा एक आरोपी दिखाई दिया। हरियाणा के नूह में नकल माफिया और उसके गुर्गों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, 30-40 फीट ऊंची दीवार पर चढ़कर कराई नकल। नूह के चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तस्वीरें, जहां हरियाणा सरकार के नकल मुक्त परीक्षा के सारे दावे खोखले सिद्ध हुए।